वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक महिला की मतदान के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि रायगढ़ में आज तीसरे चरण का मतदान हुआ। भीषण गर्मी के बावजूद मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डालने गए, तभी लाइन में लगे एक महिला को चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। मतदान केंद्र प्रभारी ने 112 में फोन कर वाहन को बुलाया और उन्हें रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। जिनकी गोद में 5 माह का बच्चा था और उनके जो पति हैं वो भी पुलिस वाले हैं, जो चुनाव ड्यूटी में सारंगढ़ में है, उनका पुत्र है वो भी पुलिस वाला है, वो भी ड्यूटी में है। इन महिला का नाम एंजेला टोप्पो है और उनकी गोद में 5 माह का बच्चा था और चक्कर आने के कारण मेरे मित्र ने उस बच्चे को पकड़ा और उस महिला को दूसरे मित्र ने पकड़ा और 112 को कॉल किए, जिसको कॉल करते करते आधा घंटा हो गया, 112 अभी तक नहीं आई। और उसके बाद PCR-1 एमरजेंसी में उनको लेके गया मेन हॉस्पिटल, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया। न यहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था, यहाँ नहीं है किसी चीज़ की व्यवस्था, नहीं है पानी की व्यवस्था, नहीं है, इतना धूप है। आज इसकी जिम्मेदारी, उनकी मौत की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।